अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप सब आई होप यू आर डूइंग गुड वेलकम बैक टू हम दो हमारे चार व्लॉग्स तो जी आज आप देखने वाले हैं चांद रात और ईद के दिन का व्लॉग मुझे पता है काफ़ी लेट हो गया है लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड कि ईद के टाइम पे जो है वो वीडियोस पोस्ट करना उसके लिए एडिट करना उस सब के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है और ईद के टाइम पे इतना टाइम मुझे मिला नहीं कि मैं एडिट करूँ वॉइस ओवर करूँ तो आज मुझे टाइम मिला तो आज मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ क्या लियो क्या बोलते हैं उसको दूर हाँ दूरबीन दूर बाइनोकुलर <laughs> तो ये जो क्लिप है ना ये आखिरी रोजे की है और ये है ना दोपहर का टाइम है मतलब दस ग्यारह बज रहा होगा और हस्बैंड जो है वो बैकयार्ड पूरा अच्छी तरह से धो रहे हैं क्योंकि है ना हर पंद्रह दिन पे अगर हम लोग पानी से बैकयार्ड को अच्छी तरह से नहीं धोएंगे ना तो बाहर की मिट्टी पूरे चप्पल में लग लग के घर के अंदर आ जाती है फिर घर अंदर का चाहे जितना भी साफ़ कर दो वो बाहर से मिट्टी जो लग के आती है ना तो घर पूरा गंदा हो जाता है और वैसे भी हम पूरा मेंटली प्रिपेयर हैं कि कल जो है वो ईद होने वाली है तो इसलिए हम लोग अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं सो आज हस्बैंड बोले थे कि तुम इफ्तार में कुछ मत बनाना के एफ़ सी में ले आऊंगा बच्चों को तो के एफ़सी ही पसंद आता है और बाकी तुम अपनी पूरी ईद की तैयारियाँ करो तो बस मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में और ईद के लिए जो है ना कुछ स्पेशल डिशेस हैं जो हर साल ईद में, में मेरे यहाँ बनती है तो वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी और जो मेरे वेजिटेरियन सब्सक्राइबर्स हैं तो आई एम रियली वेरी सॉरी लेकिन ईद के टाइम पे जो है ना वो हमारे यहाँ ज़्यादातर नॉन वेज ही बनता है तो वही आज मैं शेयर करने वाली हूँ तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तैयारी कर रही हूँ पसंदे के लिए तवे पे मैंने डाल दी हूँ दो टेबलस्पून भर के खड़ी धनिया सात आठ बादाम और खड़े गरम मसाले थोड़ा अंदाज से दो किलो पसंदे के हिसाब से और फिर उसको ड्राई रोस्ट करके मैंने एक प्लेट में निकाल ली हूँ अब सेम तवे पे मैंने डाली हूँ दो टेबलस्पून भर के पीनट्स मतलब मूंगफली और दो टेबलस्पून भर के जो है वो नारियल तो ये सूखा नारियल है इनको भी मैं अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लूँगी बिल्कुल कलर चेंज नहीं होना चाहिए ज़रा सा खाली पिंक होगा ना तो फिर मैं इसको भी सेम बर्तन में निकाल लूँगी अच्छा यहाँ पे ना चॉपर में मैंने ली हूँ दो कप दही और ये प्याज़ मैंने ब्राउन कर ली थी तो ना तीन मीडियम साइज़ की प्याज़ आप इस दही के साथ डाल के इसको अच्छी तरह से चॉपर में चॉप कर लीजिएगा प्याज को अगर हम लोग खाली मिक्सर में पीसते हैं ना तो फिर पानी डालने की ज़रूरत पड़ जाती है तभी प्याज पीसती है तो अगर हम लोग दही के साथ अगर प्याज ग्राइंड करेंगे तो बहुत ही इजीली से जो है ना वो ग्राइंड हो जाती है और टेक्स्चर भी बड़ा अच्छा सा आता है तो ये देखिए अच्छा ये है पसंदे का गोश्त ये पसंदे का स्पेशल गोश्त आता है एकदम पतला पतला और लंबा लंबा रहता है इसको हैमर से जो है ना ठोका जाता है तो ये दो किलो गोश्त है और उसके बाद जो है ना वो ड्राई मसाला मैंने तवे पे रोस्ट करी थी वो डाल दी हूँ और फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है तो तीन तीन टेबल स्पून जो है वो दोनों मैंने डाल दी हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट और उसके बाद ना हल्दी मैंने ऐड करी हूँ वन टी भर के वन टी स्पून भुनावा ज़ीरा पाउडर थ्री टी रेड चिली पाउडर तो मिर्चा जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा और नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें मैंने डाली हूँ दो टीस्पून भर के मीट टेंडराइज़र अच्छा अगर ये नहीं आपके पास ना तो कच्चा पपे का पेस्ट आप दो टेबल स्पून भर के डाल सकते हैं और उसके बाद वही दही और प्याज़ जो हम लोगों ने पीस के रखे थे चॉपर में वो मैंने डाल दी हूँ अब है ना इसको हाथ से ही मिलाइएगा स्पैचुला या किसी चम्मच से नहीं क्योंकि ना फिर ये अच्छी तरह से पूरे पसंदे में मैरिनेट नहीं होगा तो इसलिए मैंने ग्लव्स पहन ली हूँ क्योंकि ना बहुत सारी चीज़ें मैरिनेट करनी है तो मिर्चा लगेगा हाथ में अच्छा मैं इसको मैरिनेट होने के लिए अब दो तीन घंटे छोड़ दूँगी अब मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ चना बोटी कबाब की और उसके लिए मैंने सब खड़ा गरम मसाला ले ली हूँ और ज़ीरा ले ली हूँ दो टीस्पून स्पून के करीब से मैंने ले ली हूँ इन सबको मैं मिक्सर में डाल दूँगी ग्राइंड होने के लिए और साथ में दो बड़ी साइज़ की जो है वो मैंने प्याज ले ली हूँ तो प्याज़ कच्ची लेनी है और उसको जो है वही सेम खड़ा गर्म मसाला और ज़ीरा के साथ हमें पीस देना है कुकर में मैंने डाल दी हूँ दो किलो बोनलेस मटन और उसके बाद जो ज़ीरा खड़ा गरम मसाला और प्याज पीसे थे वो मैंने डाल दी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है तो फिर वही तीन तीन टेबल स्पून दोनों हम लोग डालेंगे और सॉल्ट ऐड करना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हल्दी एक चम्मच और उसके बाद दही जो है ना वो एक कप भर के डालना है अब इसको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर देंगे और इसको ना मैरिनेट होने के लिए हम लोग छोड़ देंगे कम से कम दो तीन घंटे अगर आपके पास टाइम है ना तो ओवर भी आप इसको मैरीनेट करके छोड़ सकते हैं तो और भी अच्छा बनेगा तो वैसे कल ईद है तो मैं आज ही इसको बनाऊँगी और यहाँ पे है ना जईम और फलक मिलके के गिफ्ट्स रैप कर रहे हैं एक्चुअली ये ईदी है जब ईद का टाइम आता है ना तो जो छोटे बच्चे हैं और और भी रिलेटिव्स हैं जिनको हम लोग ईदी देते हैं अपनी तरफ से मुझे बहुत मज़ा आती ईदी देने में भी और ईदी छीन के लेने में भी जब हम लोग मैं मेरी शादी नहीं हुई थी ना मैं अपने चचा के यहाँ हम लोग जाते थे जब दादी के यहाँ पर तो चचा लोग ना उन लोग से खूब लड़ाई करके मैं ईदी लेती थी तो मुझे इतनी मज़ा आती थी एंड आई रियली मिस दोज़ डेज़ तो बस अब यहाँ बच्चे जो हैं उन लोग से मैं करवा रही हूँ ताकि इन लोगों को पता चले कि इस तरह से ईदी दी जाती है अच्छा जी चलिए तो अब जो है ईद की सबसे मेन डिश की तैयारी करते हैं और वो है केवामी सेवई मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि केवामी सेवई की रेसिपी और भलाई की ज़रूर से शेयर करिएगा तो मैंने कहा था मैं ईद के टाइम पे करूँगी ये जो सेवई और शुगर का रेशियो है ना वो मैं इस तरह से लेती हूँ कि एक प्याला सेवई के ऊपर डेढ़ प्याला शुगर तो इस रेशो में मैं लेती हूँ ना तो बिल्कुल परफेक्ट उतरती है बनारस की सेवई काफ़ी मशहूर है लेकिन उसमें जो है ना वो शुगर जो है वो डबल क्वांटिटी में पड़ती है सेवई की तो वो बहुत ज़्यादा मीठी हो जाती है तो हस्बैंड को जो है ना वो बिल्कुल हल्की मीठी पसंद है तो मैं इतना ही लेती हूँ रेशियो अच्छा यहाँ पे है ना एक बड़े से बर्तन में मैंने मज़े से घी डाल दी हूँ गर्म होने के लिए और दूसरे बर्तन में है ना मैंने छः प्याला शकर ली हूँ और उसमें पानी बस इतना डालना है कि ऊपर से एक अंगुल जो है ना पानी ऊपर रहे शकर के और उसके बाद थोड़ा सा मैं इसमें ज़ाफ़रान डाल दूँगी कलर भी अच्छा आएगा और खुशबू भी एक बार बॉईल आ जाएगा तो बस मैं इसको बंद कर दूंगी इस शीरे को इसमें कोई ऐसा नहीं है कि तार देखना है एक तार आई कि दो तार आई कुछ नहीं एक बॉयल आई तो गैस बंद दूसरी तरफ है ना घी हो गया था अच्छे से गरम तो उसके अंदर मैंने डाल दी हूँ बादाम और थोड़ा सा पिस्ता इसके अलावा आपकी मर्जी और भी कुछ आप ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो बेशक डाल सकते हैं मैम मैंने बस यही दोनों चीज़ ली हूँ इसको जो है ना मैंने एकदम मीडियम आँच पर रोस्ट करी हूँ ज़्यादा काला नहीं करना है नहीं तो जली जली सी महक आएगी बस थोड़ा सा जो है कलर उन्नीस बीस हो जाएगा ना तो हम लोग इसको निकाल लेंगे प्लेट में और फिर जो है ना उसी सेम बर्तन में थोड़ा सा और घी मैंने डाल दी हूँ और उसके बाद दो लौंग और इलायची थोड़ा सा डाल के फिर हम लोग ने जो सेवई मेजर करके रखे थे ना वो इसके अंदर मैंने डाल दी हूँ अब इसको जो है ना घी में अच्छी तरह से भूनेंगे अब मैं हर स्टेज पे जो घी जो सेवई का कलर चेंज हो रहा है ना वो मैं आपको दिखाती जा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि किस तरह का सेवई का कलर होना चाहिए थोड़ा डार्क ही रहेगा क्योंकि जो है ना जब हम लोग शीरा डालेंगे खोया डालेंगे ना तो सेवई का कलर जो है वो थोड़ा सा हल्का हो जाता है इसलिए जो है घी में भूनने के टाइम हम लोग कलर इसका थोड़ा डार्क रखेंगे अच्छा वो जो ड्राई फ्रूट्स हम लोगों ने घी में निकाले थे ना तल के तो उसको हम लोग चॉपर में चॉप कर लेंगे क्योंकि ना बहुत सारे लोगों को ना खड़ा खड़ा ड्राई फ्रूट पसंद नहीं आता है तो इसलिए मैं पीस के डालती हूँ थोड़ा दरदरा मैंने पीसी हूँ एकदम पाउडर नहीं है अच्छा वो जो शीरा था ना वो बिल्कुल ठंडा हो गया था तो मैंने उसको सेवई में डाल दी हूँ और शीरा ठंडा करके डालना ज़रूरी है वरना आपकी सेवई जो है ना वो एकदम हलवा बन जाएगी और उसके बाद सबसे लास्ट में मैं इसके ऊपर खोया डाल रही हूँ तो खोया जो है ना वो एकदम मज़े से डालना है क्योंकि हम लोग दूध वगैरह तो इसमें डाले नहीं हैं तो खोया डालने से जो है ना वो सेवई का टेस्ट एकदम चेंज हो जाएगा तो 600 ग्राम के करीब जो है ना ये खोया है वो मैंने इसके अंदर डाल दी हूँ अब इसको जो है ना धीरे आँच पर मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी दस मिनट तक बीच बीच में मैं चेक करूँगी तो जैसे कंसिस्टेंसी हो जाएगी तो मैं गैस बंद कर दूँगी और कुछ लोग जो है ना वो ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डालना पसंद करते हैं तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैं काट के एक बर्तन में रख दूँगी तो जिनको पसंद है वो अलग से ऊपर से डाल देंगे एक साथ मिक्स कर दो तो जो लोग नहीं खाते हैं ना फिर वो लोग भी सेवें खाना छोड़ देते हैं तो इसीलिए जो है ना मैं साइड में अलग से ड्राई फ्रूट्स रख दूँगी और थोड़ा सा खोया भी जो है ना वो सर्व करने के टाइम ऊपर से मैं डालूँगी तो बस मैं बादाम और पिस्ता ये दोनों जो है ड्राई फ्रूट कटर में काट के रख दूँगी बहुत ही आसानी हो जाती है इस ड्राई फ्रूट कटर से एकदम जल्दी जल्दी कट जाता है और सबसे बड़ी बात ये देखिए कितना पतला पतला कटता है अगर यही चीज़ आप मार्केट में लेने जाओ ना कटा कटाया बादाम तो आपको इतना महंगा मिलेगा तो ये घर ही में कट गया यहाँ पे सेवई जो है वो बन के रेडी हो गई थी तो अब जो है ना अंदर दूसरे आइटम्स बनेंगे इसलिए मैंने जैम से बोली सेवई को बाहर रख दो अब मैं बनाने जा रही हूँ बलाई या फिर मलाई बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप बलाई क्यों बोलती हैं मलाई होती है तो दोनों एक ही बात होती है उर्दू में बोली जाती है बलाई और हिंदी में मलाई तो बलाई या मलाई बनाने के लिए जो है ना मैंने एक लीटर दूध ली हूँ और एक लीटर दूध के अंदर मैं डाल रही हूँ चार डब्बा क्रीम तो फ्रेश क्रीम जो आती है ना वो वाली लेना है कोई भी फ्रेश क्रीम और दूध भी जो है ना वो डबल क्रीम मिल्क है तो इसको मैं बॉईल होने के लिए रख दूंगी फिर आधा घंटा जो है ना मैं इसको धीरे आंच पे रखूंगी एकदम स्लो करके तो अच्छी सी बलाई जम जाएगी यहाँ पे एक गैस पे मैंने जो चना बोटी कबाब मैरिनेट की थी वो रख दी हूँ और दूसरे वाले गैस पे है ना मैंने एक बड़ा सा भगोना रख दी हूँ तेल डाल के और इसके अंदर मैं अब पसंदा चढ़ा दूँगी क्योंकि ना पसंदा को जो है ना काफ़ी टाइम लगता है अगर कुकर में डालो तो झट तो से बन जाएगा लेकिन है ना फिर टेस्ट इतना अच्छा आता नहीं है तो इसलिए पसंदा को हमेशा पतीली में ही गलाना चाहिए तो फिर बस तेल डाल के मैं पसंदे को रख दूंगी गलने के लिए और धीरे आंच पे जो है ना ये अपने से होता रहेगा तो बहुत ही जूसी बनेगा और ये जो है ना हमारे घर में ईद के टाइम पे ना मोस्ट डिमांडेड आइटम होता है सबको बहुत पसंद आता है मेरे हाथ का पसंदा तो अब तीनों बड़े बड़े गैस जो है वो फुल हो चुके हैं अब इसके ऊपर और कोई बर्तन नहीं रख सकते तो इसलिए मैं आ गई हूँ यहाँ लिविंग रूम में फलक को मेहंदी लगाने के लिए और मेहंदी जो है ना मैं हर साल ज़रूर लगाती हूँ अपने भले लगाऊँ ना लगाऊँ लेकिन फ़लक को मैं ज़रूर लगा देती हूँ लास्ट ईयर मैंने एक मेहंदी वाली को बुलाई थी घर में वो आके लगाई थी लेकिन है ना इस बार जो है मुझे टाइम भी नहीं था इतना क्योंकि अब कल ईद है सब पकाना है करना है तो मैंने सोची अपने ना लगाऊं फ़लक को लगाई देती हूँ तो बहुत दिन से लगाई नहीं ना तो कोई डिज़ाइन आ नहीं रही थी माइंड में तो फिर मैंने मोबाइल में जो है एक पिक्चर निकाल ली थी और उसी में से मैं देख देख के लगा रही थी फलक को ये देखिए जो चना बोटी का कबाब था ना वो उसका प्रेशर रिलीज़ हो गया था तो ना खुलने के बाद उसमें इतना ज़्यादा पानी होता है अच्छी तरह से इसको ड्राई कर लेना है ये जो चना बोटी कबाब है ना ये बस नाम के लिए है चना बोटी वैसे इसमें कोई चना वगैरह पड़ता नहीं है ये इतने छोटे पीसेज में है ये गोश्त इसलिए इसको चना बोटी कबाब बोलते हैं अच्छा इसके अंदर हम लोग ने कोई मिर्चा वगैरह जो तो डाला नहीं था तो इसलिए अब जो है ना इसके अंदर हम लोग हरी चटनी डाल के और तेल डाल के इसको अच्छी तरह से भूनेंगे मिक्सर में है ना धनिया की पत्ती पुदीना और हरी मिर्ची इन तीनों को पानी डाल के मैंने पीस ली थी अब इसको जो है ना मैं दस पंद्रह मिनट के लिए भूनूंगी फिर गैस बंद कर दूंगी रेडी है तो जी ये है नेक्स्ट डे ईद का दिन और यहाँ पे जो है ना जितने भी बॉयज़ थे वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं ईद की और हाँ फलक जो है ना वो अभी नहा रही है तो इसलिए जो है ना जब फलक रेडी हो जाएगी तो मैं फलक को लेके जाऊँगी तो हस्बैंड लोग अभी जा रहे हैं कहीं उनकी ईद की नमाज़ भी ना छूट जाए हम लोग की वजह से जैसे ही फ़लक रेडी हो गई थी तो फिर हम लोग भी आ गए थे यहाँ लेडीज़ मस्जिद में ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए तो है ना अंदर एकदम फुल हो गया था क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे तो इसलिए हम लोग ने बाहर जो है वो सड़क पे ही नमाज पढ़ ली और देखिए सारी चप्पल वग़ैरह फैली हुई है तो हो गई ईद की नमाज़ और अब जो है ना बाहर खुतबा चल रहा था तो ये खड़ी है फलक और सारे लोग खड़े हो के खुतबा सुन रहे हैं अरबी में ए ओ ईद मुबारक तो करो तो ईद की नमाज पढ़ के हम आ गए थे घर और ना हस्बैंड ने कहा आरिस से चलो अपने भाई लोग से ईद मुबारक करो तो यहाँ पे है ना आरिश जिससे गले लग रहा था ईद मुबारक करने के लिए उससे जो है जाके चिपक जा रहा था एक ही साइड पे छोड़ ही नहीं रहा था उसको तो इतना सारे लोग हंस रहे थे कि अपनी साइड तो चेंज करो ईद मुबारक करने में और ये देखिए यहाँ पे फलक बिल्कुल रेडी हो गई है सुबह ईद के टाइम पे है ना हम लोगों ने कुछ मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं करे थे चूड़ी उड़ी नहीं पहने थे क्योंकि बहुत लेट हो रहा था तो फिर घर आके फलक ने चूड़ी पहनी और इस बार जो है फलक ने रेड कलर का ड्रेस ली है तो ये ना सुबह के टाइम का ड्रेस है मतलब सुबह में पहनने के लिए और इस बार फलक का मेन ड्रेस भी रेडी है और ये वाला ड्रेस भी जो है ना रेडी है तो फलक ने दोनों ड्रेस रेड ली है और ये देखिए चूड़ी वग़ैरह सब मैंने इसको ज़बरदस्ती पहनाई हूँ उसको बिल्कुल शौक नहीं चूड़ी का देखिए जो मेहंदी लगाई थी कितना अच्छा सा कलर आया है शाम होते होते और भी डार्क हो जाएगी ईद की हमारी सारी शॉपिंग हम लोगों ने रमज़ान के पहले ही कंप्लीट कर ली थी और यहाँ पे देखिए जो मैंने आप लोग को लास्ट ब्लॉग में दिखाई थी ना मम्मी आई थी बॉम्बे से तो मेरे लिए जो कपड़ा सिलवा के लेके आई थी बहन के पास से तो फिर वही मैंने जो है इस बार पहनी हूँ और ये कपड़ा ना ये मैंने ईद के सुबह के लिए पहनी हूँ मेन ड्रेस दूसरा है तो हस्बैंड इतना हंस रहे थे कह रहे थे तुम लोग के बड़े ऐश हैं औरतों के कि मतलब ईद की सुबह में दूसरा कपड़ा होता है ईद की शाम में दूसरा कपड़ा होता है तो मैंने कहा हाँ ऐसे ही होता है आदमी लोग तो बेचारे एक ही कपड़े में रहते हैं और यहाँ देखिए यहाँ चल रहा है हमारा फैमिली फोटोग्राफ दादा दादी को भेजने के लिए बोलो ईदार वाले ईद मुबारक ओ रुक जा भाई ईद मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक, मुबारक, मुबारक ये किसका गिफ्ट है ईदी किसकी है की ईदी दिखाओ बोलो बोलोजेंट लिखा हुआ जल्दी दिखाओ दिखा दिखा ए, ए, मिल गई दी हाँ। अब खुश हो जाओ वहाँ बैठ जाओ अब जा? अब किसका नंबर है अस्सलाम ईद मुबारक फिर अम्मा जल्दी से मिले ईदी अच्छा। अस्सलाम ईद मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक ये कौन है हम्म दिखाओ वाह क्या है अब किसकी बारी है? है क्या ईद मुबारक इसका क्या है कितना है एजेंट तुम्हारा? 200. वाह, तुमको 200 मिल गया? अपन बच्चा? अम्मा बची? Why अम्मा it's not fair? क्या? इस साल हमको भी ये मिलेगी? हम दे रहे हैं ना? वाह! अम्मा की थी। नहीं, हमको नहीं चाहिए। ले लो। नहीं, पांच जीरो हम नहीं लेंगे। नहीं, ले नहीं। ले

ओ हो 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 आती है skating करना? कौन सिखाएगा? फलक, फलक सिखाएगी हाँ. अफन तुम क्या लोगे उससे क्या? अपनी से? लोगे उससे uh -huh. <laughs> कितना जमा हुआ है पहले स्पीड में चलती है अच्छा तो हो गई सारी ईदी डिस्ट्रीब्यूट और अब यहाँ पे जो है ना बलाई मैंने कल रात में जमाने के लिए रखी थी ना तो उसी को मैं डिश में निकाल रही हूँ सारे किनारे से पहले मैंने अच्छी तरह से निकाल दिया था और फिर मैंने एक बड़ी सी डिश में डाल दी हुई देखिए कितनी अच्छी सी मोटी सी बलाई जमती है और इसका दूध जो है ना वो भी इतना अच्छा गाढ़ा टेस्टी रहता है कि मज़ा ही आ जाती है एकदम हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था कलेजी मैंने बनाई थी नाश्ते में और पराठा तो वही अब जइन जा रहा है यहाँ सिक्योरिटी वाले को नाश्ता देने के लिए और यहाँ पे आरज़ लगा पड़ा हुआ है स्केटिंग पहनने में बहुत दिन से पीछे पड़ा था स्केटिंग दिलाने के लिए तो हम लोगों ने सोचा था कि अब ईद पे उसको ईदी की तरह से गिफ्ट करेंगे एक चलो धीरे धीरे चलो हाँ चलो गिरेगा सर फोड़ेगा अब धीरे धीरे आगे बढ़ो हाँ सीधा हाँ अब पता चला इतना इजी नहीं है समझ रहे स्केटिंग पहन लोगे तो उड़ने लगोगे अच्छा जी तो किचन का सारा काम कंप्लीट हो गया था तो हम आ गए थे ऊपर बेडशीट वगैरह चेंज करने के लिए तो यहाँ पे फलक झाड़ रही है अपना बेड और मैं आ गई हूँ अपने रूम में ये बेड स्प्रेड जो है ना वो मुझे चेंज करना था और आज जो है ना मैं ये चादर बिछाने वाली हूँ ये बेडशीट मैंने अपनी बहन से ली थी टिप्सी टॉपसी कलेक्शन से और बहुत ही अच्छी लगती है मुझे इसकी प्रिंट तो मेरा रूम जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है उसके बाद यहाँ मैं फ़लक की हेल्प करने आ गई हूँ क्योंकि ये जो फ़लक के बेड पे है ना दो मैट्रेस है ये बेड जो है वो डबल हो जाता है ना तो इसलिए इसके ऊपर दो मैट्रेस है तो दोनों मैट्रेस के नीचे जो है वो हम लोग ये बेडशीट घुसा के डालेंगे तो अच्छी तरह से ना टाइट बेडशीट जो है वो बिछेगी और ये वाली बेडशीट है ना ये भी मैंने अपनी बहन से ली थी टिप्सी टॉपसी कलेक्शन से बांधनी की जो प्रिंट है ना वो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है चाहे वो कपड़ा हो चाहे बेडशीट मुझे बहुत पसंद है लेकिन है ना इस बेडशीट के साथ जो पिलो कवर थी ना वो इतनी छोटी थी और दुबई में जो है ना पिलोस थोड़ी सी बड़ी बड़ी होती हैं तो उसके लिए बड़ा पिलो कवर चाहिए होता है तो आपा ने है ना ये दूसरा कवर मुझे भेजी थी वाइट कलर का तो ये बड़े साइज़ का था तो वो मैंने इस पर बिछा दी हूँ तो यहाँ पर जो है फलक का रूम भी खूब अच्छा सा सेट हो गया है और उसके बाद हम आ गए यहाँ अफ़ान और जयीम के रूम में तो मुझे है ना दोनों की एकदम सेम बेडशीट बिछानी थी दोनों बेड पे लेकिन मुझे सेम बेडशीट मिली नहीं तो नेक्स्ट टाइम मैं आपा के टिप्सी टॉपसी कलेक्शन से ना दोनों बेडशीट सेम ही ऑर्डर करूँगी ये राइट साइड पे जो बेडशीट है ना ये मेरी सास ने मुझे गिफ्ट करी थी और जो लेफ़्ट साइड पर है ना वो मेरी चच्ची ने मुझे गिफ्ट करी थी तो बॉयज़ का भी रूम सेट हो गया है और यहाँ पर आरिस का जो कॉट है उसकी भी बेडशीट मैंने चेंज कर दी हूँ और यहाँ सोने की तैयारी चल रही है ईद हो गई क्या आपकी क्या बात तो है ईद हो गई अभी नहीं हो आज आपको लिविंग रूम भी थोड़ा सा दिखा दूं अलग लग रहा होगा यहाँ पे जो डाइनिंग टेबल की सारी चेयर्स थी ना वो सब बाहर जो है धुल के सूखने के लिए रख दी थी एक्चुअली क्या हुआ कि रमजान में ना बहुत सारे फ्राइड आइटम्स खाए गए थे ना तो बच्चे जो हैं वो सब खा खा के ना अपने गंदे गंदे तेल वाले हाथ से इसको छूते थे तो फिर है ना पूरा तेल का निशान हो गया था तो बैठने लायक नहीं थी इतने ज़्यादा स्टेंस थे आ, मैं भूली गई पहले वाली पिक्चर लेना नहीं तो मैं आपको दिखाती तो सब साबुन से धो के यहाँ रख दी हूँ शाम तक सूख जाएगी शाम में ना हम लोग के घर दावत है मेरे ससुराल वाले सब आने वाले हैं और यहाँ देखिए जितनी बेडशीट निकली थी ना सब मैंने मशीन में लगा दी थी फटाफट ताकि जो है वो जल्दी से सूख जाए और मौसम भी ना अब अच्छा खासा धूप निकलने लगी थोड़ा सा गर्म होने लगा है तो फिर टाइम नहीं लगेगा सूखने में और नाश्ता वगैरह करके हम लोग सो गए थे अच्छा खासा दो घंटे के लिए और उसके बाद मैं यहाँ पे अब आई हूँ ये बेडशीट वगैरह उठा दूँ क्योंकि शाम में सारे लोग आएंगे खाने पे ये बाहर का एरिया अच्छा बहुत लगता है लेकिन ये देखिए इतना ज़्यादा ट्री के ऊपर से कचरा गिरता है बीज लीव्स वगैरह सब गिरते हैं कि सारे कपड़े ना वो भी झाड़ना पड़ता है और प्लस झाड़ू भी ना दो बार तो देना ही पड़ता है बाहर अगर एक दिन झाड़ू नहीं देंगे ना तो पेड़ पर से जो है ना बहुत लीव्स वगैरह की गंदगी हो जाती है तो इनको मैं रख दूंगी कल फोल्ड करूंगी और अब मैं आ गई हूँ किचन में यहाँ पे जो है ना मैं एक चिकन बना रही हूँ बहुत मस्त एकदम बनता है आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा दो कप दही ली हूँ और दो टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट रेड चिली पाउडर तीन चम्मच भर के वन टी ज़ीरा पाउडर और वाइट पेपर पाउडर भी वन टी के करीब दो टी के करीब भर के शान का तंदूरी मसाला वन फोर्थ टी स्पून औरेंज फ़ूड कलर और उसके बाद सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग फूड कलर ऑप्शनल है डालना है तो डालिए अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं और फिर एक बड़े साइज़ का लेमन जूस इसके अंदर है ना दो मीडियम साइज़ की प्याज़ मैंने ब्राउन करके पीस ली थी वो डाल दी हूँ और ये है हरी मिर्ची और धनिया की पत्ती का पेस्ट पानी डाल के वो मैंने दो करछुली पूरा डाल दी हूँ इन सारे मसालों को ना अच्छी तरह से मैंने स्पैचुला से मिक्स कर ली हूँ ताकि कोई लम्ब ना रहे और फिर इसके अंदर दो किलो चिकन मैंने डाल दी हूँ धो के बिल्कुल पानी ड्राई हो गया था तब और ये देखिए लंबे लंबे स्लिट्स मैंने इसमें लगाई हूँ ताकि मसाला अच्छे से अंदर तक चला जाए अब है ना इसको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद मैरिनेट होने के लिए दो से तीन घंटा छोड़ देंगे दो घंटा हो गया था तो अब है ना मैं यहाँ पे फ्राई करने जा रही हूं ये सारे चिकन पीसेस को अच्छी तरह से ना फ्राई करना है इसको है ना एक्चुअली ओवन में ग्रिल किया जाता है लेकिन बहुत से लोगों के पास ओवन नहीं रहता ना इसलिए मैं आपको फ्राइंग पैन में करके बता रही हूँ तो पैन में भी अगर हम लोग इसको फ्राई करेंगे ना तो ग्रिल टाइप का इफेक्ट ही आएगा और बस ये एक पैन में ना पूरा अच्छे से आ नहीं रहा था दो किलो चिकन है तो तो इसलिए मैंने दो पैन में अलग अलग बिछा दी थी क्योंकि टाइम इतना नहीं था और पीछे जो है आलू पालक की सब्जी मैंने बनाई हूँ तो उसकी शूटिंग जो है वो मैंने नहीं करी रिकॉर्ड नहीं करी उसकी क्लिप क्योंकि वीडियो जो है ना वो बहुत बड़ी हो रही थी ये देखिए दोनों ही पैन पे चिकन एकदम अच्छी तरह से ना फ्राई हो गया है थोड़ा सा जैसे लग जाता है ना उस टाइप से करना है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है तो चिकन एकदम कड़क हो जाएगा और यहाँ पे ना एक बड़े से बर्तन में मतलब एकदम वाइड माउथ का बर्तन लेंगे ना तो अच्छा रहता है चिकन टूटता नहीं है उसमें मैंने डाली हूँ थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा बटर ऑप्शनल है आप चाहे तो एक चीज़ भी डाल सकते हैं बटर मेल्ट होते ही मैंने इसके अंदर डाली हूँ दो डब्बा क्रीम और ये वाली जो है ना कुकिंग क्रीम है मतलब इसमें कोई स्वीटनेस शुगर नहीं रहती है पास्ता वगैरह में पड़ती है वही क्रीम है तो दो डब्बा क्रीम डाली हूँ और फिर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालना है और थोड़ा सा चाट मसाला मतलब दो टीस्पून के करीब और उसके बाद है ना जो मसाला हम लोग का बचा हुआ रखा था ना मैरिनेशन में से जो निकला था वो भी हम लोग इसके अंदर डाल देंगे एक बार मिक्स कर लीजिए ताकि लम्स ना पड़े क्रीम में और फिर वो जो धनिया की पत्ती और हरी मिर्ची की जो चटनी बची हुई थी थोड़ी सी वो भी डाल दी हूँ उसमें मैंने अब है ना इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है पकाना है तेज़ आंच पे पाँच मिनट के लिए और इसकी इसमें हम लोग इतना सारी ये चीज़ इसलिए डालें ना ताकि इसका जो क्रीम है ना वो एकदम फीकी फीकी सी ना लगे उस क्रीम भी एकदम चटपटी सी बने तो ये देखिए पाँच मिनट हो गया है पक के और उसके बाद अब हम लोग ने जो चिकन फ्राई करके रखे थे वो मैं पूरा मसाले के साथ डालूंगी जो तेल बचा है पैन में वो भी पूरा डाल दूंगी ताकि जो है कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो और हर चीज़ का फ्लेवर जो है इस क्रीम में आए अब है ना अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के पाँच से दस मिनट पकाइए फिर गैस बंद कर दीजिएगा वो सब आपकी क्रीम के ऊपर डिपेंड करता है अगर बहुत थिक क्रीम होगी तो फिर जो आपको पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी तो ये देखिए ये है फ़ाइनल लुक एकदम रेडी है चिकन यहाँ पे साइड में मैंने थोड़ा सा कोयला गरम करने के लिए रखी हूँ क्योंकि ये ढाबा स्टाइल चिकन है तो कोयले का धुआं देंगे ना तो बहुत ही अच्छा एकदम वही वाला टेस्ट आएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी सी आएगी तो इसको मैं छोड़ देती हूँ और यहाँ पे सारे लोग सो सो के उठ गए थे तो ज़िम्मन भी बिल्कुल फ़्रेश हो गया है तैयार हो के और अब वो जो है डाइनिंग टेबल पूरा सेट कर रहा है प्लेट्स वगैरह लगा रहा है क्योंकि मेहमान लोग के आने का टाइम हो गया है और मैं अब ये अपना सबसे आखिरी काम कर रही हूँ जो कि है चावल बनाना तो चावल के लिए ये स्पेशली बर्तन मैंने ली हूँ अजमान फैक्ट्री आउटलेट से इतने खुले मुंह का बर्तन है एकदम खिला खिला चावल बनता है नहीं तो अगर हम लोग ऊंचे बर्तन में कोई चावल बनाते हैं ना तो चावल एकदम है ना पसीज जाता है जितना वाइड माउथ का बर्तन रहेगा तो चावल उतना अच्छा रहेगा तो राइस में जो है ना मैंने मटर पुलाव बनाई हूँ थैंक यू बहुत बहुत होती है। तो यहाँ पे रेडी हो गया है हमारा पूरा डिनर और ये है रोटी बाहर से आई है यह है चना बोटी कबाब थोड़ा सा प्याज और लेमू से मैंने इसको गार्निश कर दी हूँ और ये है ढाबा स्टाइल चिकन और इसके ऊपर है ना सर्व करने के टाइम हम लोग बटर मेल्ट करके डालेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा एकदम टेस्ट में और ये है पसंदा इसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा ऑनियन रिंग्स और लेमन कट करके रख दी हूँ और ये जो नाश्ते में सुबह मैंने कलेजी बनाई थी ये वो है और ये है आलू पालक की सब्ज़ी सो so, ये था हम लोगों का आज का डिनर ईद के दिन का और यहाँ पे आ गए हैं सारे गेस्ट ये जितने भी लोग आप देख रहे हैं ना ये सब मेरे ससुराली रिश्तेदार हैं हस्बैंड के फूफी के साइड से हैं ये सारे और हर साल हम लोगों की ईद है ना इसी तरह से गुजरती है एक दिन ससुराल वाले आते हैं फिर एक दिन मेरे मैके वाले आएंगे वो व्लॉग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक दिन मैं भी जाऊँगी अपने खाला के यहाँ तो जैसे जैसे हम तैयार होंगे रेडी होंगे मैं सारे व्लॉग्स आप लोग के साथ शेयर करूंगी तो आज का व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर एंड आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और रेसिपी जरूर से ट्राई करिएगा और मिलते हैं न्यू व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हम दो हमारे चार व्लॉग्स को